सात माह से लड़का गायब, माता पिता ने एसएसपी ऑफिस में किया हंगामा, पुलिस ने पकड़कर भेजा थाने। आपको बताते चलें कि बरेली के थाना विशारतगंज के गांव अंतरछेड़ी में रहने वाले दिनेश कुमार और उनकी पत्नी पिछले सात महीनों से अपने बेटे की बरामदगी की गुहार लगा रहे हैं। सात महीने से अब तक उनका बेटा क्यों नहीं मिल पाया, कार्यालय के गेट पर कई बार धरने पर बैठे और पर आज गुस्से में आकर अपराधियों को जेल भेजने की कार्रवाई करने की मांग की। बूढ़े माँ बाप आज गुस्से में आकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगे। आए थे यहाँ पर, काफ़ी हंगामा कर रहे थे, क्या मामला था? एक ये पति पत्नी आए थे, इनका जो लड़का है कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले ये दूसरे जनपद चला गया था घर से झूठ बोलकर किसी महिला मित्र से मिलने के लिए, और उसके बाद से उसका ट्रेस आउट नहीं हो पाया था। पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसको खोजबीन का पूरा प्रयास चल रहा है, और उसमें इनके द्वारा कुछ मांगें की जाती हैं कि इसमें ये चीज़ें की जाएँ। पुलिस द्वारा उसमें सभी तथ्यों पर पूर्व में विवेचना की जा चुकी है, और जो भी वो कहते हैं, वादी पक्ष कहता है, उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें वो ऐसे कहते हैं जिसमें विवेचना में वो चीज़ें संभव नहीं है, तो इस आधार पर इनको समझाया बुझाया गया बहुत बार, और इसमें जो विवेचना है वो निष्पक्ष तौर पर जारी है, और इसमें इनके जो पुत्र हैं उनको ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है लड़के का अभी तक बरामद ना होना काफी लंबा समय हो गया, लड़की पे भी आरोप लगा रही है? हाँ, इसमें ये कुछ लोगों पे आरोप लगा रहे हैं जिसके एवज में पुलिस के द्वारा पूरी छानबीन और विवेचना सभी साक्ष्यों के आधार पे की जा चुकी है, और भी साक्ष्य इसमें जुटाए जा रहे हैं, और इसमें निष्पक्ष विवेचना प्रचलित है। ठीक।